हेलो फ्रेंड्स, और बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन गेट रूपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि इस एप्लीकेशन के ऊपर में एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने वाले हैं या इंस्टॉल करके लोन ले चुके हैं तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं इस एप्लीकेशन की सच्चाई के बारे में बात करूँगा और साथ ही में बताऊँगा कि आपको इस एप्लीकेशन से छुटकारा आसानी से कैसे मिल सकता है। तो किस तरह के छुटकारे की बात कर रहा हूँ वो भी इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। मेक श्योर कीजिए कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करेंगे गेट रूपी की सच्चाई क्या है। तो गेट रूपी आपको दावा करती है 50,000 लाख रुपये का लोन इंस्टेंट प्रोवाइड करने का, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके बैंक अकाउंट और आधार पैन की डिटेल्स की आप अगर वेरीफाई करते हैं तो फिर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, 10% केसेस में पैसा क्रेडिट होता है, लेकिन होता है 2,000, 3,000, 4,000 ओनली 2 से 4,000 रुपये तक आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। और उसकी समय सीमा भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 5 दिन होती है। पहले 7 दिन होता था लेकिन अब 5 दिन कर दिया गया है। अगर आपको लोन 4,000 रुपये मिला है तो फिर 5 दिन बाद आपको 10,000 रुपये पे करने के लिए कहा जाएगा। आपने एकदम दोस्तों सही सुना, अगर आपको 4,000 रुपये मिला है तो 5 दिन बाद हो सकता है कि ये लोग 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, इनके मन में जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपको पे करने के लिए कहेंगे। अब यहाँ पे अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं या फिर पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करते हैं तो फिर ये जो अमाउंट है 10,000 का, इसको ये लोग 20,000 कर देते हैं। और अब ये एप्लीकेशंस क्या कर रहे हैं कि लोगों को ही धमकी दे रहे हैं कि आपके ऊपर हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। जबकि इस एप्लीकेशन की मैं सच्चाई आपको बताता हूँ कि ये एप्लीकेशन दोस्तों 110% फेक एप्लीकेशन है और साथ ही में चाइनीज़ एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का आपको दोस्तों 1 रुपया घंटा भी पेमेंट नहीं करना है और आपको इस एप्लीकेशन से ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा भी मिलेगा। तो कैसे मिलेगा छुटकारा, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया कि ये एप्लीकेशन वाले आपसे जब लोन वापस मांगने आएंगे तो आपको इसका दोस्तों 1 रुपया भी लोन वापस नहीं देना है। क्यों लोन नहीं देना है ये भी मैं आपको एकदम डिस्कस करके बता देता हूँ, क्योंकि ये एप्लीकेशन 110% फर्जी एप्लीकेशन है। और अगर आप इसका लोन पेमेंट कर भी देंगे तो दोबारा से ये एप्लीकेशन आपको लोन पेमेंट करने के लिए कहेगी और आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसा वसूल कर लेगी। अब कहीं कहीं पे ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आपने लोन के लिए अप्लाई नहीं भी किया हो फिर भी आपके अकाउंट में लोन वगैरह ये लोग क्रेडिट अपने से ही कर देते हैं और फिर आपको रिपेमेंट करने के लिए बोलते हैं। भले ही आपने इससे अभी तक लोन लिया हो या नहीं लिया हो, आपको 1 रुपया भी वापस नहीं करना है। और इस एप्लीकेशन से आपको कैसे आसानी से छुटकारा मिलेगा, चलिए इसके बारे में मैं आपको 2 स्टेप्स बताऊंगा। उन दोनों स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो 110% ज़िंदगी भर ये एप्लीकेशन आपको तंग नहीं करेगी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन से डिलीट कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है। और जो सेकेंड स्टेप है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आप क्या कीजिएगा कि जब आपने एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया तो अपने कॉन्टैक्ट पर मैसेज कर दीजिए कि आपके साथ एक फ्रॉड हुआ है। तो कोई फर्जी नंबर से या बाहर के नंबर से अगर किसी को भी मैसेज करता है तो उसको ब्लॉक कर देने के लिए ये आप पहले अपने कॉन्टैक्ट को मैसेज कर दीजिए। उसके बाद जो स्टेप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको अपने फ़ोन नंबर को और साथ ही में व्हाट्सएप नंबर को, इन दोनों को मिनिमम 10 to 15 डेज के लिए बंद करना होगा। आपको बिल्कुल भी ऑन नहीं करना या ऑनलाइन नहीं जाना। अगर आप जाएंगे तो ये वाले एप्लीकेशन वाले आपको बार बार मैसेज करके टॉर्चर करेंगे और आपसे पैसा वसूल कर ही लेंगे किसी भी कंडीशन में। तो अगर आप भी चाहते हैं 1 रुपया भी बिना दिए इस एप्लीकेशन से, चाइनीज़ एप्लीकेशन से बचना, तो ये स्टेप आप लोग अभी अपना सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने अगर लोन नहीं दिया तो क्या आपके सिविल स्कोर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या सिविल स्कोर लो होगा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं, तो मैं उनको भी ये बताना चाहूँगा कि अगर आप नहीं भी देते हैं तो आपका एक भी सिविल स्कोर पे दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये बात भी आपको जानकारी में होनी चाहिए। इसी के साथ चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द।